अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड एग्जांपल्स पे, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। इसी तरह से अब हम एक और एग्जांपल है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि लिखा हुआ है कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अच्छा अब अगर इधर आप देखें ना, तो इसमें जस्ट हमें एक फंक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें जस्ट हमें क्या नजर आ रहा है, एक फंक्शन नजर आ रहा है। अब जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ पिछले प्रीवियस एग्जांपल्स देखे हैं, वहां आपने देखा होगा कि वहां दो दो फंक्शंस आ रहे थे। ठीक है, तो इधर अब चूंकि दूसरा नहीं है, तो लेट से ये मेरे पास लिखो, तो मैं वन तो खुद से लिख ही सकता हूं ना, वन खुद से लिख सकता हूं। अच्छा अब अगर इसको देखें तो ये भी अलजेब्रिक है, और काउंटिंग जो है ना, वन टू थ्री जितनी भी काउंटिंग है वो भी अलजेब्रिक में आती है। इसका मतलब ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं। तो अब डिसाइड कैसे करेंगे, वैसे तो हम क्या करते हैं, आई लेट को यूज करते हैं। उस आई लेट को यूज करके हम चीजों को देखते हैं कि किसको फर्स्ट नंबर पे रखना है और किसको सेकंड नंबर पे रखना है, लेकिन यहाँ सेम कैटेगरी आ गई है। ठीक है, अच्छा अब जब सेम कैटेगरी है तो आपने किसी एक को फर्स्ट रखना है और किसी दूसरे को सेकंड रखना है। अब फर्स्ट किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है, जिसकी इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल, इजीली फाइंड की जा सके, उसको हमेशा सेकंड रखेंगे। ठीक है, तो वन की इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो होती है एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन उसको हम सेकेंड रखेंगे, और इसको क्या रखेंगे, फर्स्ट रखेंगे। तो अब इस पर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज करेंगे। ठीक है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट वन डी एक्स, इसको वन कंसिडर करेंगे, इसको टू कंसिडर करेंगे, तो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की सिचुएशन बनती है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस जो इंटीग्रेशन आई है वो एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना, तो जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास आएगा ए स्केयर सॉरी एक्स स्केयर, बल्कि चलिए हम चेक करके देख लेते हैं क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ, चेक करेंगे कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1/2, तो ये आ जाएगा ए स्केयर एक्स स्केयर -1/2, और यहां से आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय ए स्केयर एक्स स्केयर स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इसका। तो ये जो डेरिवेटिव है इसको मैं यहां लिखूंगा, डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है एक्स बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट, और ये डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपको इस तरह से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अब ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर वन डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को पहले लिख देते हैं, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस, देख सकते हैं आप एक्स और एक्स आ जाएगा, हमारे पास एक्स स्केयर आ जाएगा, और ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट डी एक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब करना कुछ इस तरह से है कि अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, वो आपने समझना है। एक्स स्क्वायर, अब बेशक यहाँ वन आप ना लिखें, ठीक है, वो शुरू में जस्ट हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए लिखा था, तो अब उसकी जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहां पर ए स्क्वायर को ऐड भी करता हूं और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो ए स्क्वायर को मैंने ऐड भी किया और ये सब्ट्रैक्ट भी किया, जबकि आप एक्स स्केयर जो है वो एज इट इज अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ये आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि दोनों को सेम करूंगा ताकि इसको इंटीग्रेट किया जा सके, ये भी इंटीग्रेशन का एक मेथड है। अच्छा अब इसको देखें, तो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर
डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस माइनस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट माइनस ए स्केयर ओवर, ए स्केयर ओवर ए स्केयर एक्स स्केयर स्केयर रूट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर, ए स्केयर एक्स स्केयर स्केयर रूट, और ये माइनस माइनस ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट, ये डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर अगर आप देखें इसकी पावर क्या आ रही है, वन आ रही है, तो हम इन दोनों को चूंकि सेम है तो सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू द पावर वन, और ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ये वन है और ये उधर जाके माइनस वन बाय टू डी एक्स हो जाएगा। यहां जो ए आपको नजर आ रहा है ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और वन बाय ए स्केयर एक्स स्केयर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने करना ही है कि चूंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर रूट, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस, यहां से हमारे पास आएगा ए स्केयर एक्स स्केयर स्केयर रूट, ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वन माइनस वन बाय टू को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये वन बाय टू आएगा, जिसको इस तरह से लिखा जा सकता है, और नेक्स्ट जो है प्लस ए स्केयर वो हम एज इट इज लिखेंगे वन बाय ए स्केयर एक्स स्केयर स्केयर रूट की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल अभी कंटिन्यू है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।